फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी डिशेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्राइड चने, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं और हम एकदम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल, मतलब ठेले वाले स्टाइल के। तो बस मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 2 कप चने लिए हैं जिनको मैंने रात में भिगो दिया था। तो मतलब मैंने इनको टोटल 7 से 8 घंटे भिगोया था, आप 5 से 6 घंटे भिगो सकते हैं, काफ़ी है। तो अब हम इसको पहले बॉईल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉईल करने के लिए मैंने ये चने जो है वो एक कुकर में डाल दिए हैं और मैं इनमें टोटल 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी को ऐड करने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चने को जो है वो बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के लिए 6 से 7 सीटी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, चने बॉईल हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, गैस भी निकल गया है। तो बस अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं और चने को हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक स्पून पे लेकर के पहले हम चनों को देख लेते हैं कि हमें अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चने हमारे बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं और मैंने इसमें टोटल 6 से 7 सीटियाँ लगाई थी। तो अब हम आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सामान लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरीके से लॉन्ग स्लाइस में कट कर लिया है। 3 हरी मिर्च ली हैं और यहाँ पे मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की कट कर ली हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनको मैंने थोड़ा रफली कट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही रखें, और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने इसमें 1 पिंच हींग ऐड कर दी है। हींग ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया है और जीरे और हींग को हम अब अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, जो प्याज हमने कट करके रखी थी। प्याज को हम अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसको 30 सेकंड तक इसी तरीके से कंटिन्यू फ्राई करेंगे और 30 सेकंड बाद जो लहसुन हमने लेके रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको टोटल 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक हमारी ये जो प्याज है इसका कलर गोल्डन ना हो जाए और हमारी ये जो लहसुन है इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे 1 से 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है जैसा हम चाहते थे। तो जो टमाटर मैंने अब इसमें कट करके रखे थे उनको डाल दिया है। तो टमाटरों को हम मीडियम फ्लेम पर ढक करके पकाएंगे जब तक ये जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब हम टमाटरों को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, टमाटर जो है हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट जैसे टमाटर हम चाहते थे उसी तरीके से हमने इनको पका लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़े से चने, जो हमने चने बॉईल करके रखे थे, उन चनों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो चनों को ऐड करने के साथ साथ ही मैं इसमें थोड़े से ड्राई मसाले भी ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं पहले 2 टीस्पून धनिया पाउडर, इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल वाला, और 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही रख सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, चना मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले से टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है और अब हम गरम मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट ढक कर के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब हम चनों को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो जितने भी ड्राई मसाले हमने चने में ऐड किए थे वो चने के साथ अच्छे से पक चुके हैं, एक खुशबू आने लगी है। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं और हरे धनिया पत्ते को भी हम चने में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो
तो मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया और इस तरीके से मैंने इसको जो चनों में है निचोड़ दिया है। नींबू से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट नींबू से जिसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो चने हैं वो एकदम रेडी हैं। आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी सर्विंग प्लेट या किसी भी बाउल में निकालें खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़े ये मार्केट वाले चने बनाए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मार्केट वाला लुक दूंगी। तो मैंने इस तरीके से एक यहाँ पे डिस्पोजल प्लेट ले ली है, जो हम मार्केट में जब खाने जाते हैं तब मिलती है। तो उसी प्लेट में अब मैं थोड़े से ये जो चने हैं उनको रख देती हूँ और थोड़ा मार्केट वाला लुक दे देती हूँ इनको अच्छे से डेकोरेट करके। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से नींबू कट करके लगा दिया है। थोड़ी सी दो मैं यहाँ पे हरी मिर्च ले लेती हूँ, बिकॉज जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ इसी तरीके से वो लोग ठेले वाले हमको देते हैं प्लेट में। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं जितने डिलीशियस आपको देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे आपको ये खाने में लगेंगे। तो बस आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट डिश के साथ एक नेक्स्ट डे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।